नालछा में जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष व जनपद सदस्यों के प्रथम सम्मेलन व शपथ समारोह आयोजन के बाद कांग्रेस की नवनिर्वाचित अध्यक्ष और भाजपा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष को एक ही कक्ष आवंटन को लेकर बवाल हो गया और 3 घंटे तक कक्ष आवंटन को लेकर जनपद पंचायत नालछा में विवाद चलता रहा। बाद में महिला कांग्रेसी अध्यक्ष व भाजपा के पुरुष उपाध्यक्ष को 1 सप्ताह के भीतर अलग अलग नए कक्ष आवंटित किए जाने की सहमति पर विवाद खत्म हुआ। दरअसल पूरा मामला नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। शपथ विधि समारोह गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। उसके बाद जनपद में कक्ष को लेकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बीच विवाद की स्थिति बन गई। पूर्व में जो जनपद अध्यक्ष के लिए कक्ष आवंटित किया था, इस बार उस कक्ष में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए आवंटित कर दिया गया। शपथ के बाद नव निर्वाचित उपाध्यक्ष दिलीप डावर कक्ष में गए और कार्यकर्ताओं का स्वागत हुआ। इसी बात को लेकर नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष रेखा जितेंद्र मालीवाड़ नाराज हो गई और अपने कक्ष को आवंटित करने के लिए नालछा CEO से मांग करने लगी। विवाद के बाद विधायक पाचीलाल मेड़ा जनपद अध्यक्ष रेखा मालीवाड़ के साथ CEO के केबिन में पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक CEO मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में विधायक ने पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में लाया। उसके बाद CEO पहुंची। उनका कहना था कि पूरा मामला समझने के बाद ही वह केबिन में पहुंचे हैं। कक्ष को लेकर विवाद के बाद नालछा मुख्य कार्यपालन अधिकारी माया बारिया ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जन प्रतिनिधियों को अपने केबिन में दरवाजा बंद करके समझाया। उपाध्यक्ष श्री डाबर का कहना था कि मैं अपने कमरे में जाकर फोटो खिंचवा कर पदभार ग्रहण कर लिया है। एक दिन पूर्व ही मुझे अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक ही कक्ष में बैठने के लिए जानकारी दी गई थी। अब मैं कक्ष नहीं छोड़ सकता। अध्यक्ष रेखा मालीवाड़ का कहना था कि पूर्व में जो कक्ष अध्यक्ष के लिए आवंटित है वही मेरे लिए भी आवंटित होना चाहिए। मैं महिला होने के कारण उपाध्यक्ष के साथ नहीं बैठ सकती। पूर्व में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कक्ष अलग अलग था, इसलिए अभी भी दोनों के कक्ष अलग होना चाहिए। ऐसे में काफ़ी देर तक दोनों के बीच जद्दोजहद चलती रही। काफ़ी देर समझाई इसके बाद सहमति बनी और सहमति बनने के बाद CEO ने कहा कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए नए कक्ष को तैयार करवाएंगे। 15 अगस्त के पहले दोनों को आवंटित कर दिए जाएंगे। इस बात पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने अपनी सहमति दी है। मेरा कहना है कि उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष साथ में नहीं बैठ सकते। जो पहले कमरा था अध्यक्ष का, मैं नहीं भी बैठ सकती बैठूंगी, और जो उपाध्यक्ष कमरा है वो वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जाने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने जाके पहले से वहाँ पर जाके उन्होंने उनका कार्यक्रम शुरू कर लिया और हम पीछे थे, तो हमारा कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। वहाँ पर हम CEO मैडम के रूम में आकर वहाँ पर बैठे। बाद में क्या निराकरण हुआ इस विवाद को लेकर? बाद में निराकरण हुआ है कि दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तैयार नहीं थे उस रूम के लिए, तो CEO मैम ने उन रूम को छोड़ के दूसरे रूम तैयार करवाएंगे 8 दिन के अंदर। तो इसमें आप संतुष्ट हो? लगाया ही आज जो शपथ समारोह हुआ वो बहुत अच्छे से हुआ और सभी का मार्गदर्शन भी अच्छा रहा और ऐसा कोई विवाद नहीं है। उसमें बात ये हुई थी कल दिनांक 5 तारीख को बाद हमारी जीतू भाई की हमारी बैठ के बात हुई थी, CEO मैडम के सामने बैठ के बात हुई थी और हमारी राजीव मर्जी से उनकी चॉइस का रूम हुई था और मेरी भी हाथे की इच्छा ये थी कि मैं भी इसी रूम में बैठूँ, इसी करके हमारी बात हो गई थी 5 तारीख को। और आज उनकी कुर्सी अलग लगी हुई थी, एक ही रूम था, हमारी कुर्सी अलग लगी हुई थी, हमने जनपद अध्यक्षों की कुर्सी अलग थी, उनकी लगा जगह छोड़ी थी और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो अलग कुर्सी पे थे। ऐसा कोई विवाद जैसा कोई था नहीं, उनकी कुर्सी हमने ऑलरेडी छोड़ रखी थी अध्यक्ष ने। लेकिन क्या निराकरण हुआ इसमें? इसमें निराकरण अभी जो हुआ ये हुआ कि भाई आपस में समझ लो, हमें मेरे लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सम्मान है, मैं दोनों को सम्मान के साथ दर्जा देती हूँ। आपस में आप ही बैठ के निर्णय कर लो, जो आपका निर्णय रहेगा वही सर्वमान्य रहेगा। तो हमने दोनों बहन बैठ के डिसीजन लिया। देखो मेरी भी इच्छा वही उसी रूम पे थी, पर मैडम ने बोला कि उस रूम को छोड़ के कोई सा भी रूम वो एकदम छोड़ी दो दोनों के नाम पे, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। दूसरा तुम्हारा 8 दिन का समय चाहिए हमको, 8 दिन के अंदर बोले दोनों के रूम अलग अलग शिफ्ट पे करवा देंगे, उसमें दोनों भाई की सहमति जमी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नालछा जनपद पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रेखा बाई जितेंद्र अध्यक्ष बनी कांग्रेस पार्टी समर्थित, और उपाध्यक्ष बीजेपी की तरफ से आदरणीय
दिलीप भाई डावर साहब, पर जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने अपने कक्ष में गए तो एक ही कक्ष में दोनों नेम प्लेट रखने से उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ गया, ऐसा उपाध्यक्ष अध्यक्ष कुर्सी बैठ गए ऐसा उपाध्यक्ष का आरोप रहा। उन्होंने सीओ साहब से कहा कि इस प्रकार से मेरे कमरे की व्यवस्था अलग होना चाहिए, अध्यक्ष बैठक व्यवस्था अलग होना चाहिए और उपाध्यक्ष की अलग करना चाहिए, क्योंकि मेरे दल के लोग भी आएंगे, आपके भी दल के लोग आएंगे, और इस प्रकार से चूँकि और मैं महिला वर्ग से अन्य महिलाएं भी आएंगी, तो मेरे लिए कम से कम जो पहले पूर्व में जो व्यवस्थाएं रही कि एक कमरा अध्यक्ष का रहा है और एक कमरा उपाध्यक्ष का, तो उस व्यवस्था को यथावत किया जाए, इस प्रकार से बात। इसमें आपने कलेक्टर महोदय को भी फ़ोन लगाया तो जिसमें सीओ मैडम ने आपकी बात नहीं सुनी, सीओ मैडम एक घंटे बाद आए क्या, तो आपने कलेक्टर महोदय को फ़ोन लगाया? उसमें सीओ साहब की कई कुछ त्रुटि रही है कि उस समय यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए, ऐसे समय अगर सीओ साहब रहते और उस व्यवस्थित को मतलब दोनों के कमरों की बात उन्होंने पूर्व में कही थी, पर वो कहीं ना कहीं दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं मानने के एवज में वो फोन उनका शायद बंद था या उस संबंध में भीड़ को देख के वो अन्य जगह चली गई थी। इस वजह से मुझे कलेक्टर साहब को बात करना पड़ा कि आखिर में ये व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से सुधरेगी, तो उसके बाद शायद कलेक्टर साहब ने सीओ साहब को अवगत कराया होगा, तो सीओ साहब ने उस चीज़ का फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हमारे समक्ष बिठाया और उसके बाद में उन्होंने दोनों कक्ष चेंज करके नई व्यवस्था के रूप में उन्होंने एक सुझाव दिया, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसको मान गए और उन्होंने 8 दिन का समय दिया कि 8 दिन के अंदर मैं दोनों कक्षों को तैयार करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष। आज का हमारा जनपद पंचायत नालछा का प्रथम सम्मेलन नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य का था। कार्यक्रम उपरांत कक्ष आबंटन को लेकर के एक मत एक विचार नहीं होने के कारण से आपस में मन विचार और इनके आपस में कुछ बहस हुई रूम को का कक्ष को लेकर। तो मैडम इसमें विधायक जी ने आपको कम से कम 5 से 6 चक्कर बुलाया भी सही, आप दूसरी बिल्डिंग में जाके चले गए थे, आपके कक्ष में भी नहीं बैठे आप, तो आप आए नहीं एक घंटे तक, विधायक जी ने एक घंटे तक आपका रास्ता देखा, उसके बाद कलेक्टर महोदय को फ़ोन लगाया, उसके बाद आप आए यहाँ पर आए, उसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये था कि एकदम से मामला इतना गर्म और इतने सब हाइपर हो रहे थे लोग, तो चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, एकदम से मैं आती तो शायद यहाँ पे झगड़ा या विवाद हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाती, तो उस स्थिति को देखते हुए मैं थोड़ा सा स्थिति शांत होने का इंतजार कर रही थी, स्थिति जैसे ही शांत हुई मैं आई। क्या निराकरण हुआ मैडम? एक मिनट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बैठने के लिए शासन की गाइडलाइन क्या मिल रही है? शासन के निर्देशानुसार माननीय अध्यक्ष को वाहन और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के शासन के निर्देश हैं, उपाध्यक्ष को कक्ष एवं वाहन अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के शासन के कोई निर्देश नहीं है। अब इस विवाद के बाद क्या निर्णय? इसके बाद चूंकि दोनों एक ही कक्ष में बैठने को लेके आम सहमति नहीं बनी, तो उसको देखते हुए फिर मैंने अन्य 2 कक्ष 8 दिन के अंदर अंदर तैयार करके और फिर दोनों को एक एक कक्ष आवंटन करने का निर्णय लिया, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की आम सहमति बनी और इनकी सहमति के उपरांत 8 दिवस में इनको अलग अलग कक्ष नए कक्ष तैयार करके और आवंटित किए।